औरैया में सावन के पहले सोमवार पर शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित बीहड़ में भोले बाबा के मंदिर देवकाली पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां पर सावन भर भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसके चलते यहां पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यही नहीं कि इस मंदिर की महत्व ये भी है कि यहां पर जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपके बताते चले कि आज से सावन प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते शहर के भोले बाबा के मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। शहर के सभी मंदिरों पर सुबह से ही भक्त बेलपत्र एवं जल लेकर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए मंदिर पहुंच गए। वहीं बीहड़ में स्थित देवकाली मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लाइन देखने को मिली। देवकाली मंदिर की विशेष महत्व है कि यहां पर जो भी भक्त बाबा से अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। आपको बता दें कि कन्नौज के राजा जयचंद्र ने अपनी बहन देवकला के लिए यहाँ पर रुकने के लिए स्थान बनाया था। उनकी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर भगवान भोले बाबा की स्थापना की गई थी। देवकला जब कन्नौज से इस ओर आती थी तो यहाँ पर रुक रुक कर भोले बाबा के दर्शन आदि करके अपने गंतव्य की ओर रवाना होती थी। तभी से इस मंदिर की महत्व है। यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं उनकी हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर आसपास के जनपदों एवं दूर दराज के क्षेत्रों से भी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। सावन भर इस महीने में मंदिर में पूरा महीना दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। मंदिर के महंत ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा भक्तों की सुरक्षा एवं उनकी सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 नेटवर्क। आज सावन का पहला सोमवार है। वहीं आपको पता चलिए औरैया शहर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित देवगली मंदिर पर आज सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर ताता लगा हुआ है। आपको पता चलिए मंदिर के मैनेजर ने हमको बताया कि आज रात में 2 बजे से यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हो गया था और वहीं सुबह भगवान जी का रुद्रा अभिषेक करने के बाद यहाँ पर मंदिर के कपाट खोले गए और वहीं भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपको पता चलिए आप यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पर करीब 300 मीटर की अभी यहाँ पर लाइन लगी हुई है और यहाँ पर श्रद्धालु का आने का अभी सिलसिला जारी है बराबर। वहीं आपको बताते चले कि यह मंदिर और मतलब कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुत्री की याद में यहाँ पर बनवाया था। उनका नाम देवली था, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम देवली मंदिर पड़ा है। हिमाचल की TV24 औरैया। आज सावन का पहला सोमवार, क्या कहना है इस मंदिर में आई हुआ, क्या आस्था है मंदिर की आप यहाँ पर आई हुई? किसका मंदिर पता है आपको? कितना पुराना मंदिर है, क्या कहना चाहेंगे? तो आज मंदिर में आई हो, सावन का पहला सोमवार, क्या क्या होगी, किस तरीके से क्या मनोकामना मांगने आई हो? हमारे घर वाले सही रहे, बच्चा सावन का पहला सोमवार है, कब से लाइन में लगे हुए आप लोग, कितना समय हो गया होगा? अच्छा, क्या भीड़ की अगर बात किया, किस तरीके लंबी भीड़ है क्या? लंबी लाइन में कितने टाइम से खड़े हो बताओ ना? क्या कहने हो, सावन का पहला सोमवार है और आप लोग लाइन में खड़े हुए हो, अब आपका नंबर आने को है, किस तरीके से मनोकामना मांगने आए मंदिर में, क्या आस्था है, क्या आस्था है भगवान से? अम्मा किसका मंदिर है, पहचान थी? कहाँ से आए आप लोग? बल्लापुर से। कितना पुराना मंदिर, क्या आस्था मंदिर की है? कब से आ रहे हैं आप लोग? आप लोग कब से आ रहे हो? सुबह से किस तरीके से भक्त आ रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था करती है पुलिस शासन की? यहाँ पर व्यवस्था सुबह से ही 2 बजे से ड्यूटी लगा दी गई थी और कांवर यात्री भी यहाँ आए हुए थे। रात से ही सुबह गुलाब से धोने के बाद अपार धूप भी हो गए थे सुबह 4 बजे और भक्त का आना चालू हो गया। अपने भक्तों की पूजा करते हुए जल अर्पण करते हुए अपनी श्रद्धा पूजन जो भी है यहाँ जो भी मनोकामना मिलता है।